हाँ वेरी गुड। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कौन बनेगा ग्रेजुएट, पावर्ड बाय मम्मी बोगो बैंड एंड को पावर्ड बाय बूस्ट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। चलो करते स्टार्ट। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, स्पॉन्सर का नाम लिया बेटा, लाखों रुपया देते हैं। आज मैं तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, उस कंसेप्ट का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे और जो लेट कमर्स है हमारे हमेशा की तरह। चलो आप सुन ले यहां ध्यान से, कोई प्रॉब्लम आए दिक्कत आए तो मैसेज कर देना, यू आर फ्री टू मैसेज मी। आज हमारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन, हाँ आ जाओ बेटा, इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ेंगे अपन। ध्यान से सुनना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कुछ समस्या हो जाए अगर नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो घबराना मत। और एक और चीज दिखा दूं तुम्हें, टेक्निकल डिपार्टमेंट बुलाया अमेरिका से, ये हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है दो, ठीक है, शिवा रोड से आए, बुलाया तो अमेरिका से था मगर इतना पेमेंट नहीं दे पाए। चलो आ जाओ, आज पढ़ते ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ध्यान से सुनना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर दबाकर थोकना, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और भारी बात बताने जा रहा हूं बेटा, होश में रहना, कहीं और मत चले जाए, सपनों की दुनिया में खो गए कहीं पे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। एक कंपनी अपन खोलते हैं, ठीक है, उसमें एक ही शेयर इश्यू करते हैं, वो शेयर मैं दे रहा हूं राघव को, ठीक है। एक कंपनी अपन ने खोली, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें ले रहे हैं, पर्सन भी छोटा ले रहे, सॉरी पर्सन भी एक ही ले रहे हैं पर छोटा नहीं। तो एक कंपनी अपन खोल रहे, राघव को एक शेयर दे रहा हूं 1,00,000 रुपए का, ध्यान से सुनना। ये कंपनी अपन ने खोली, राघव को अपन ने शेयर दिया, शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना, 1,00,000 रुपए के, 1,00,000 रुपए के शेयर दिए। मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, अरे लड़की रिकॉर्डिंग चल रही, मजाक नहीं चल रही यहां पर, एक शेयर 10 रुपए का है तो 10,000 रुपए के 10,000 शेयर हो गए एट द रेट रुपीज 10 पर शेयर। तो सुनना ध्यान से, 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर, 1,00,000 रुपए के शेयर हो गए, ये राघव के पास है। अब राघव ने जो कंपनी खोली ना, वो कंपनी में क्या है बेटा, वो कंपनी 40% का रिटर्न देती है। क्या देती है? 40% का रिटर्न, मतलब जो भी उस बिजनेस में रुपया लगाएगा उसको 40% मिलेगा। तो अभी शेयर राघव के पास है, इसका मतलब उस कंपनी का अकेला मालिक राघव है, ठीक है। कितने शेयर है राघव के पास? 10,000 शेयर। अकेला मालिक नहीं होता, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, ज्यादा जज्बाती मत हो जाना, भावनाओं मत भी जाना, तो एक कंपनी अकेला मालिक कैसे, अरे है, ठीक है, अकेला मालिक है अभी राघव के पास, ठीक, रियल में नहीं होता, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, अकेला मालिक एक नई शेयर ले लिया, सोल प्रोप्राइटर हो गया वो, ठीक है, मेरे को सब पता है, मगर अभी क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, कंसेप्ट में फोकस कर रहा हूं, कंसेप्ट में, ठीक। अब 10,000 के उसके पास शेयर, कंपनी ने कमाया 40%, ठीक है, यानी कि 1,00,000 तक कमाई क्या हुई, 40,000। तो राघव को कितना फायदा हुआ, ये तो शेयर कैपिटल हो गई, राघव को मिले कितने, 1,00,000 पे 40,000 प्रॉफिट, राघव को मिला 1,00,000 पे 40,000 प्रॉफिट, ठीक है, दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा लाइट का अगर फोकस आ रहा है तो बोल तो रही हूं मैं। अब मान लो राघव ने सोचा यार 40% मेरा बिजनेस कमा के देता है, अब राघव की कंपनी ने क्या किया, स्कोप है भी कंपनी में, और रुपया लगा सकते हैं अपन, ठीक है, तो राघव ने 1,00,000 रुपया लगाया था, 10,000 शेयर लिए थे,
अब राघव ने क्या किया, अम्मार से बोला, अम्मार मैं तुझे डिबेंचर दूंगा, तू मुझे रुपया देगा क्या? तो अब दूसरा केस लाओ, केस नंबर टू। अब राघव का भी रुपया है, शेयर कैपिटल कितना, एक लाख रुपया। अब अम्मार से भी रुपया ले रहे, मगर अम्मार से डिबेंचर का ले रहे राघव एंड कंपनी, ठीक है। अब अम्मार से भी रुपया ले रहे, तो ध्यान से देखना बेटा क्या हो रहा है। अम्मार से रुपया लिया डिबेंचर का, डिबेंचर अम्मार से बोला, अम्मार 20% का डिबेंचर है, गुड इवनिंग, डिबेंचर कितना है 20% का, 20% डिबेंचर, एक कितना रुपया ले लिया, दो लाख रुपया अम्मार से ले लिया। बेटा अभी 1 लाख रुपया लगाया था, ठीक है, अब अम्मार लगा रहा है 2 लाख रुपया, मालिक तो कौन है बीबी, राघव, ठीक है। अब बिजनेस में लग चुका है अभी तक कितना रुपया, बिजनेस में अभी तक लग चुका है 3 लाख। देखते समझ में आ रहा हो फायदा किसको होगा बिजनेस से, किसको होगा, अम्मार को या राघव को, देखना भी तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा, तुम समझदार लोगों, पढ़े लिखे लोगों, 3 लाख रुपया लग गया, 40% कमाएंगे ना, कितना होता है 40%, 40% होता है 1,20,000, है ना, जितना रुपया लगाते हैं उसमें 40% कमाते हैं, ऐसा बिजनेस है अपना, यानी कि इस पे कमाया होगा कितना परसेंट, 40%, यानी कि 40,000, और इस पे कमाया अपन ने 80,000, 40,000 80,000 टोटल मिलाकर 120 कमाया अपन ने, 120। अब अम्मार को बुलाते हैं राघव, अम्मार इधर आ, तो बेटा तूने रुपया दिया था ना, कितना दिया था, 2 लाख, ये ले 2 लाख का 20%, रिपीट नहीं होगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले ही बोला टाइम पे आना, डिबेंचर 20,000 है, ठीक है, 20%, 2 लाख के डिबेंचर है 20% के, तो 2 लाख का 20% अम्मार को कितना देना बनता है, 40,000, 1,20 में से अम्मार को देगा 40,000, और राघव की जेब में गया 80,000। ध्यान से देखना आप सारे बच्चे, ये केस होता है यहां पर कंप्लीट। पहले क्या था, राघव ने 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख का शेयर खरीदा कंपनी में, अकेला शेयर होल्डर है, पहले ही बोलता हूँ कंपनी के अकेले शेयर होल्डर नहीं होते। अभी एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ सीखने के लिए, क्या देखा तुम लोगों ने, 1 लाख की शेयर कैपिटल है राघव की, और राघव अकेला मालिक है कंपनी का, कैसी कंपनी है जो 40% कमाती है, रिटर्न क्या है उसका 40%, तो 1 लाख का 40% राघव ने कमाया 40,000, फिर राघव ने 40,000 कितने पे कमाया, 1 लाख शेयर पे, 1 लाख रुपए के शेयर पे, ठीक है। अब राघव के शेयर अभी भी 1 लाख ही है, अम्मार से भी ले लिया 2 लाख, ठीक है, कुल मिला के कमाई क्या हो गई, 40,000 और 80,000, ये कमाई हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कैसे होगी, 40% कमाते राघव के रुपए में भी 40% कमाया, अम्मार के रुपए में भी 40% कमाया, यानी कि टोटल कैपिटल में अपन ने 40% कमाया, 1,20 कमाया, 1,20 में से अम्मार को कितना देना है, अम्मार को तो 20% ही मिलेगा, अम्मार ने डिबेंचर लिए, समझ में आया, अम्मार को दिया 20%, राघव के हाथ में आया 80, तो क्या देखने को मिला, ऊपर भी 1 लाख थे मगर 40 कमाया राघव ने, नीचे भी राघव के शेयर 1 लाख थे मगर राघव ने कितना कमाया, 80,000, क्यों, क्योंकि अम्मार का फिक्स अमाउंट, अम्मार हमेशा कितना लेगा, 40 ही लेगा, 2 लाख का 20% डिबेंचर है, 20% 2 लाख के, अम्मार हमेशा फिक्स है 40 ही लेगा, 10 लाख भी कमाएंगे ना तब भी अम्मार कितना लेगा, 40, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अम्मार के रुपए से राघव को फायदा, सही है, अम्मार के रुपए से राघव को फायदा, यही हुआ, ठीक है। राघव कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, अम्मार कौन, डेट होल्डर, ठीक है, डिबेंचर होल्डर, यानी कि, तो इसे बोलते हैं अपन लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब क्या, अगर हम लोग इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा कमाते, क्या कमाने की रेट क्या है अपनी, कितने परसेंट कमाते अपन, 40%, इंटरेस्ट की रेट क्या है, अगर हम लोग इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा कमाते, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर ज्यादा है तो क्या होता है, तो डेट पर होने वाला फायदा प्रॉफिट को, डेट यूज करने से प्रॉफिट बढ़ता है, क्या होता है, डेट यूज करने से प्रॉफिट बढ़ता है इक्विटी वालों के लिए,
इक्विटी वालों के लिए, प्रॉफिट बढ़ा इक्विटी वालों के लिए बढ़ा, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझ में आया पिक्चर? अगर हम लोग इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा अपनी कमाने की रेट क्या है 40%, जो भी अपन को रुपया देगा ना अपन 40 कमाएंगे, ठीक है, अपन सामने वाले से 20% में रुपया ले रहे, ठीक, उसके रुपए में 40% कमा रहे, अपन किसी से रुपया ले रहे 20% पे, कहते हैं 20% ब्याज देंगे, उसके रुपए में कितना कमा रहे 40%, 40 कमाकर 20 उसको दे रहे, 20 मालिक बॉस, ठीक है, अपन रख रहे। पिक्चर समझ में आई? इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझे कंसेप्ट क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्या होता है, समझ गए? भाभी बोलता है एक लाइन में, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा हो, रिटर्न ज्यादा है इंटरेस्ट की रेट से, ठीक है, इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट, ये डेट की कॉस्ट। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेट की कॉस्ट से ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, तो उस केस में क्या होगा? डेट का यूज करने से प्रॉफिट बढ़ेगा शेयर होल्डर के लिए, डेट का यूज करने से प्रॉफिट बढ़ेगा किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए, प्रॉफिट बढ़ेगा ना शेयर होल्डर के लिए, डेट का यूज करने से प्रॉफिट बढ़ेगा शेयर होल्डर के लिए, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सारे बच्चे रिप्लाई करो, समझ में आया? वीडियो पॉज कर दे, पॉज ही करना, देख आराम से, बहुत ध्यान से, 11 पे क्लिक करना है। हाँ, तो ऐसा बोलने में आता है कि कैसा बोलने में आता है हाँ, ऐसा बोलने का आता है भाई कि डेट जो होता है वो लेस रिस्की होता है। क्या होता है? लेस रिस्की होता है, सुनाया ना तुम लोगों ने भी? अरे सॉरी, डेट इज अ रिस्की, रिस्की उल्टा बोल रहा हूं मैं, ऐसा बोलने का आता है, दिमाग क्या काम संतुलन में नहीं है, ऐसा बोलने में आता है डेट जो होता है ना रिस्की होता है। क्या होता है डेट? रिस्की, लेस रिस्की नहीं होता, रिस्की होता है। अब डेट रिस्की क्यों होता है बेटा? ध्यान से सुनो, सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो राघव की कंपनी 40 की बजाय 10% कमाती, कितने परसेंट? 10%, तो देखो कितने कमाती, देखना बेटा कितना कमाती, राघव की कंपनी कमाती 10%, यानी कि 3 लाख पे 30,000 कमाती। अब मार को कितना देना है? 2 लाख का 20%, है ना, 2 लाख का 20% बोले तो 40 देना है। ये बन गई राघव की पिक्चर, पिक्चर भी तो बनाया उसके बाद, ये अम्मार को दे दिए 40, अम्मार को तो 40 ही देना है हमेशा, पहले ही बोल दी मैं तुम्हें ये बात, अम्मार को तो 40 ही देना है। तो ये कितने बचे राघव के पास? -10। रोता रोता घर जाएगा राघव, ठीक है, अभी बड़े मजे ले रहा था अम्मार के पैसों के, ये बन गई पिक्चर। समझे रिस्की क्यों होता है? गलती से भी रिटर्न कम हो गया, सुन्नत, गलती से भी, मेरे अच्छे से फेस को क्यों बिगाड़ दी लड़की, गलती से भी रिटर्न कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? पिक्चर बन जाएगी, ये देखो लॉस हो गया, पूरा रुपया किसको दे दिया? और जेब से निकाल के अम्मार को, ठीक है, समझे रिस्की क्यों होता है? समझ में आया रिस्की क्यों है? 40 देने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, बताया ना रिस्की का दो चीज, कंपल्सरी एंड टाइमली पेमेंट, ये रीजन है रिस्की होने का, रिस्क लेके कर रहे धंधा भाई। अम्मा रुपया दे रहा है क्या 2 लाख, 40 तेरे को 20% देंगे हम लोग, अम्मा ने कहा ले लो, अब ले तो लिया, क्या तुम्हारा धंधा 40% कमाएगा? कंफर्म है, कमाते तो है अपन 40%, मगर चलेगा क्या बिजनेस? ठीक है, बोलते ना बिजनेस क्या है? अनसर्टेन है। अब आगे बढ़ता हूं, चलो मैं तुम्हें दो चीज समझाई अभी, क्या दो चीज, एक समझाया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और दूसरा समझाया कि डेट रिस्की क्यों होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा, शक्ल देख लो प्रैक्टिकल की, स्क्रीनशॉट या फोटो वोटो कुछ ले लेना अगर दिख रहा हो तो, साफ साफ दिख रहा है क्या? दिख रहा है साफ साफ? चलो करते स्टार्ट, अरे ले फोटो लेकर ग्रुप पे डाल दे, आप रिकॉर्डिंग पॉज कर दे, दो टेबल बनी हुई ना, दोनों का फोटो लेके ग्रुप पे डाल दे, रिकॉर्डिंग पॉज कर दे, रिकॉर्डिंग पॉज कर दे। दो चीज बताऊंगा मैं तुम्हें,
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बता दिया जो अभी, अब दूसरी चीज क्या बताऊंगा, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज फोटो आ गई है ग्रुप में, देख लेना ठीक है। शेयर कैपिटल दे रखा है एक्स का, क्वेश्चन लिख रहा हूं क्या लिखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है 30 लाख, 30 लाख, और एक कंपनी कंपनी वाई, ये पुराने दुराने नोट से कही गए सदियों पुराने, दोनों में कंपनी एक्स लिखा है, मैं सही लिख रहा हूं ठीक है, आई नो वेरी वेल, थैंक यू। ये 20 लाख, ये 30 लाख, ये 20 लाख ठीक है, अपने पास जीरो। अब आते लोन फंड पे, यानी कि डेट, डेट पे आते हैं, डेट लोन फंड को डेट बोलते हैं, डेट एट द रेट 10%, लोन ले रखा है 10% का, या डिबेंचर इश्यू कर रखे कुछ भी मान लो ठीक है, कितने के, इसने तो नहीं किए, इसने कर रखे 10 लाख, टोटल रुपया कितना लगा रखा है बिजनेस में, एक्स कंपनी पूरा अपना रुपया लगाया शेयर होल्डर का, शेयर कैपिटल लगाया पूरा, यहां पर शेयर होल्डर का रुपया लगाया शेयर कैपिटल, और साथ में डेट, कर्जा भी लिया, लोन फंड, बोरोइंग फंड, लोन फंड बोल दो, बोरोड फंड बोल दो, या फिर क्या बोल दो, डेट बोल दो, डिबेंचर बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, सब भाई भाई है लोग। 10,000 का कर्जा लिया है, इसने लिया क्या कर्जा, नहीं लिया, इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल, क्या बोला, डेट का प्रोपोर्शन कैपिटल के अंदर कितना है, डेट का प्रोपोर्शन कैपिटल में कितना है, उसे लीवरेज बोलते हैं। कौन सी फर्म लीवर्ड है दोनों में से, एक्स या वाई, कल ही बताया था, जिसके पास डेट है वो कौन सी फर्म है, वो लीवर्ड फर्म है, डेट है ना इसके पास, ये लीवर्ड फर्म है, लिख रहा हूं यहां पर लीवर्ड फर्म, लीवर्ड फर्म, और ये एक्स वाली यूनी लीवर्ड नहीं, कौन सी लड़की यूनी लीवर्ड बोल रही है, अनलीवर्ड, नॉन लीवर्ड बोल रही है तू, अनलीवर्ड फर्म, दो फॉर्म है, एक लीवर्ड जिसके पास डेट है, एक अनलीवर्ड जिसके पास डेट नहीं है ठीक है, ध्यान से देखना अभी, टोटल कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल कितनी है, 30 लाख और 30 लाख, ये 30 लाख टोटल कैपिटल है। अब ROI क्या है, रिटर्न क्या है अपना, 15% ठीक है, ये क्वेश्चन को करता हूं पैक, चलो ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, दो फर्म है एक्स और वाई, दोनों ने कैपिटल लगा रखी है 30 लाख की, वो एक्स की पूरी कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, और वाई की जो कैपिटल है वो इक्विटी भी है और डिवेंचर भी है, डेट भी है, दोनों है वाई के पास, वाई लीवर्ड फर्म है, ये अनलीवर्ड फर्म है, ये 30 लाख की कैपिटल है, ध्यान से सुनना भी, इंटरेस्ट रेट है 10%, कमाई अपनी 15%, इंटरेस्ट रेट है 10%, अपनी कमाई ये रही 15%, मुझे बताओ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो सकता है नहीं हो सकता, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो सकता है नहीं हो सकता, क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डेट का यूज करके प्रॉफिट को बढ़ा के उसका बेनिफिट इक्विटी को देना ठीक है, सस्ते डेट का यूज करके प्रॉफिट बढ़ाकर उसका बेनिफिट इक्विटी को देना, कर सकते हैं यहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सारे बच्चे यहां ध्यान देना, मत देखो वीडियो देखो सारे, कोई देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें इसके अलावा, बस ये देखना सारा क्वेश्चन लिख दिया यहां पर, जल्दी बताओ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते वाई में कर सकते, बस सही बोली लड़की, एक्स में तो कर ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने के लिए डेट चाहिए, दूसरों का पैसा लेके मालिकों को फायदा पहुंचाना, दूसरों का पैसे से मालिकों को फायदा पहुंचाना, वो तब कब पहुंचेगा जब रिटर्न ज्यादा हो ठीक है, बेटा रिप्लाई दिया होगा, सुस्त बैठे हो बिल्कुल ही, पूछ रहा हूं ट्रेनिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं क्या, जवाब तो दो कम से कम, बहुत ही बेकार हो यार तुम लोग तो यार, चलो अब ध्यान सुनना, अब दे रहे हो कहने के बाद, मेहनत करते तुम्हारे इतनी मेहनत करते हैं,
1.5 लाख का ट्राइपॉड लेकर आया, पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट बुलाया, चलो कोई मतलब नहीं है तुम्हें, PBIT। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, क्या लिखा है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट है? 30 लाख का 15%। लाइक करते हो, थैंक यू, धूम बजाते ना यूट्यूब पे, इतने लाइक आएगा, खूब पैसा आया यूट्यूब से, सब तुम्हें बांट दूंगा मैं, कुछ भी रखूंगा अपने पास। 4,50,000 पैसे चाहिए नहीं मेरे को, तुमसे लूटूंगा बस मैं। राघव बोला रिपीट करो, राघव सारे पैसे यूट्यूब के तुम्हें दे दूंगा, तुमसे लूंगा उस पैसे में, ठीक है? यूट्यूब से नहीं दिए मेरे को पैसा, दोनों कंपनी ने 30 लाख रुपए लगाए तो दोनों कंपनी 4,50,000 कमाएगी। क्लियर? बढ़ो आगे, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले इंटरेस्ट दू या पहले टैक्स दू? जल्दी बोलो, फास्ट, रैपिड फायर। पहले इंटरेस्ट दूंगा ना, फिर टैक्स दूंगा, कल ही बता रखा है। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दो, देगा क्या इंटरेस्ट? नहीं, डेट है ही नहीं, इंटरेस्ट कैसे देगा? ऐसे जबरदस्ती दूंगा मैं तो नहीं, पकड़ के किसी को भी लो, हाँ इंटरेस्ट ले जा बेटा, 10 लाख का 10% ये इंटरेस्ट देगा, 10 लाख का डेट है इसके पास, कर्जा है इसने, 1 लाख रुपया देगा ये, 1 लाख इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है? इंटरेस्ट माइनस करने के बाद की बचा, ये तो 4,50,000 ऐसे कैसे ही, और ये बचा 3,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे बोलते हैं PBT, समझ लेना एक एक वर्ड, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करूंगा टैक्स। क्या रेट है टैक्स की सरकार ने क्या रखी है रेट? सरकार ने रखी है टैक्स की रेट 30%, 30%, इंटरेस्ट था 10%। चलो अब सरकार को टैक्स दे रहे 30%, करो स्टार्ट, है ना, दे दू टैक्स, ये रहा प्रॉफिट, तोशिबा दे दू पक्का, कसम खा के बोल, तोशिबा ने कसम खाई है, टैक्स देना ही पड़ेगा। 1,35,000 का टैक्स दे रहा हूं, 1,35,000 का टैक्स, कितना बचा यहां पर? 3, सही है, यहां पर टैक्स दूंगा 3,50,000 का 30%, 1,05,000, 1,05,000 कितना बचा? 3,50,000 का 30% कर लेना घर पे बैठ के कैलकुलेटर में, 1,05,000 आ जाएगा, ठीक है? इस स्टेट में खूब मैथ सिखा दिया तुम्हें, 2,45,000, थैंक यू राघव सोमानी मिस्टर, 3,15,000, 3,45,000 ये है टैक्स के बाद का प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर ये पेड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट में से जिसको इंटरेस्ट देना था उसने दे दिया उस कंपनी ने, इसको देना ही नहीं था इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट आया इसमें से देना था टैक्स, इसका 30%, इसका 30% टैक्स भी दे दिया, ये अमाउंट बचा। बेटा तेरे हाथ नीचे कर ले राघव, नहीं तो ये हाथ। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कुछ भी नहीं करेंगे बेटा, मालिकों का प्रॉफिट है, टैक्स में सब दे दिया, अब मालिकों में बांट देंगे प्रॉफिट। तो ध्यान से सुनना, मालिकों में प्रॉफिट बांट रहे, कितने शेयर है? क्वेश्चन में शेयर भी गलत लिखे, ये ना है बिल्कुल, नंबर ऑफ शेयर कितने है? अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो देखो 30 लाख शेयर है यहां पर, एट द रेट रुपीज 10, 10 रुपए का एक शेयर है तो 30 लाख शेयर है, 30 लाख डिवाइडेड 10 कितने लाख शेयर होंगे? 3 लाख शेयर होंगे, ठीक है? अगर 100 रुपए का एक शेयर है, 100 का करते हैं, हाँ 100 का करते हैं, कितने शेयर हुए? 30,000 शेयर, 100 का करूंगा तो 30,000 शेयर हुए, 30,000 शेयर वालों को मिलेगा ये रुपया, ये 3,15,000 किसको मिलेगा? 30,000 शेयर वालों को, या कितने शेयर है? 20,000। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये रुपया किनका है? शेयर होल्डर का, 30,000 शेयर वालों को इतना रुपया मिलेगा 3,15,000, क्या निकाल रहे हैं अपन? EPS, क्या निकाल रहे हैं अपन? EPS, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की कमाई, 3,15,000 30,000 शेयर का है तो एक शेयर का कितना? 10.5, एक शेयर पे कमाया 10.5, 2,45,000 20,000 शेयर पे कमाए तो एक शेयर पे कितना कमाया?
245,000 20,000 शेयर पे कमाए, 20,000 शेयर है ना इसके पास, ये कमाई किसकी है? टैक्स वैक्स इंटरेस्ट देने के बाद रुपया किसका होता है? मालिक का, पूरा रुपया मालिक का होता है, तो मालिक का रुपया है, मालिकों में शेयर में बांट देंगे, जिसके जितने शेयर है उसको उतना रुपया मिलेगा ना, नाम ही शेयर है बेटा, ठीक है। तो 30,000 शेयर में बांटेंगे तो हर एक शेयर पे कितना मिलेगा? 10.5। ये रुपया 20,000 शेयर में बांटेंगे तो हर एक शेयर को कितना मिलेगा? जिसके पास में एक शेयर होगा उसको मिलेगा 12.25। इसको ज्यादा मिलना ही था, लिवर्ड फॉर्म है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो गया, समझे? ऐसे ही अगर उल्टा केस होता, उल्टा बोले तो कमाते अगर अपन 8% से, अगर अपन 8 से कमाते तो क्या हो जाता? 8 से कमाने पे मैंने तुम्हें ज्यादा से कमा के बताया और मैंने तुम्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझाया। तुम्हारी बुक में दूसरा एग्जाम्पल भी है जिसमें अपन 8 से कमाएंगे, अभी 15 से कमा रहे थे, इंटरेस्ट की रेट क्या है 10, हम कैसे कमा रहे हैं 15% से, अब इंटरेस्ट की रेट तो 10 ही रहेगी, हम किससे कमाएंगे अब 8% से, 8% से कमाओगे तो उल्टा हो जाएगा, ये अच्छा आएगा इक्विटी के लिए, ये खराब आएगा, समझे? जो अच्छा था ना अभी ये खराब हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन तुम देखना, करके दिखाओगे इसको, ये समझ गए? करके दिखाओ, समझ गए? अगर समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ू। हाँ कर लेंगे, समझ गए ना? अरे राघव टाइम नहीं है, 10 मिनट बचे, इसलिए पूछ रहा हूँ, सीरियसली बताओ, ये समझ में आ गया? कर लोगे ना एग्जाम्पल? समझ गए, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बोल देना। अब दूसरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, करके दिखाओ। 1.5 लाख रुपया दिया है ना तुमने बीसीसी को, हाँ नहीं आया तो पूछना ही सही यार, भाई हो तुम मेरे, तुम्हारा है बीसीसी पूरा। अब दो कंसेप्ट और बता रहा हूं, अभी दो कंसेप्ट बताए, कौन कौन से दो कंसेप्ट? एक तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और एक फाइनेंशियल लिवरेज। क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज? होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल, कैपिटल के अंदर डेट का प्रोपोर्शन कितना है, टोटल कैपिटल में डेट कितना है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज। अब दूसरे दो कंसेप्ट सीख लो जल्दी से, लड़की देखा टाइम चल रहा होगा, देख कितना टाइम हुआ बाकी है, ऊपर देख ऊपर 6 मिनट आग लगा देंगे बेटा, ध्यान से देखना 6 मिनट अपने पास। दो चीज समझा रहा हूं, एक है ICR, ICR फुल फॉर्म क्या है? इंटरेस्ट कवरेज, 26 में पढ़ाएंगे डिटेल में तुम्हें, ये मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये एक रेशियो आएगा तुम्हारी बुक में, नाम क्या है? इंटरेस्ट कवरेज, ठीक है, कितना कवर करते हैं। अगर मान लो किसी दूसरे को लेते, भटनागर, हमारी स्टाफ भटनागर, भटनागर मेरे को 1 लाख रुपया देती है 10% की रेट से, ठीक है, तो भटनागर 1 लाख रुपया देती है 10% की रेट से, तो इंटरेस्ट कितना देना होता है उसको? 10,000 देना होता है। तो भटनागर ये सोचेगी देने से पहले क्या देखेगी कि यार मैं इसको 10,000 दू क्या, अब्दुली सर को, मतलब 1 लाख रुपया दू क्या, 10,000 इंटरेस्ट देंगे क्या मुझे, ये सोचेगी ना भटनागर कि यार मैं अब्दुली सर को 1 लाख रुपया दू क्या, अब्दुली सर 10,000 देंगे क्या, तो ये मुझसे पूछेगी सर 10,000 दे पाओगे? मैंने कहा देख बेटा देख, मैं कमाता हूं कितना लाख कमाता हूं, मैं 1,20,000 रुपया कमाता हूं मैं, ठीक है, तू मुझे 10,000 रुपया देगी ना, तो 10,000 के सामने 1,20 कितना हुआ, 12 टाइम्स, तू मुझे 10,000 देगी, मैं 10 से 12 गुना कमाता हूं, जितना मुझे इंटरेस्ट देना है ना उससे मैं 12 टाइम्स ज्यादा कमाता हूं, यही बोलूंगा ना, ये बोलेगी क्या बात कर रहे हो सर 12 टाइम्स ज्यादा, हाँ अब तो दे दोगे, ठीक है भाई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या बताता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालता है लेंडर, लेंडर जो अपन को लोन देता है वो ये देखता है कि ये हमें इंटरेस्ट देगा या नहीं, कैपेसिटी चेक करता है। लेंडर जो होता है ना, भटनागर लेंडर है, भटनागर मेरी कैपेसिटी चेक कर रही है, भटनागर निकालेगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, भटनागर को मतलब इससे मुझे नहीं है, लेंडर है वो चेक करेगी अब्दुली सर की कैपेसिटी कितनी है, अब्दुली सर जो इंटरेस्ट देंगे उसका कितना टाइम्स कमाते हैं वो, समझ में पिक्चर। अब एक याद है क्या होता है, एक होता है DSCR, DSCR का फुल फॉर्म होता है, कितना टाइम बचा है लड़की, 3 मिनट बचे, 3.5, अरे बहुत है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो,
ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर डेट सर्विस कवरेज रेशियो में, ध्यान से देखना, या इसका फॉर्मूला होता है, देखना ध्यान से, पीबीआईडी अपॉन पीबीआईडी सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट। क्या मतलब सर? अगर मान लो भटनागर ये बोले कि सर मुझे इंटरेस्ट भी देना और जो 1,00,000 रुपया मुझसे उधार ले रहे हो ना वो कैसे चुकाओगे? मैंने कहा 20,000 करके चुकाऊंगा, 20,000। तो भटनागर क्या देखेगी? क्या ये इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे और 20,000 भी निकाल लेंगे क्या? यही देखेगी ना। तो अब क्या करेगी ये, ऊपर वो रुपया लेगी जिसमें से मुझे इंटरेस्ट और क्या देना है, मुझे इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल देना है। तो जो रुपया कमाऊंगा उसमें से तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दूंगा, तो ऊपर अपन वो रुपया लेंगे जिसमें से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट। बेटा ऊपर यहां क्या लिया था, क्या टाइम हुआ? 2 मिनट बचे, ठीक है, 1 मिनट बचे ना, तो मुझे बताना, लेस देन 1 लिखा हुआ है तो बताना। वो क्या कह रहा है राघव, कह रहा है इतना सोचेगी कृति एडीए तो। चलो सुनो, 1,20,000 कमाता था, इसमें से इंटरेस्ट देना होता है, ये पीबीआईटी है, क्या है ये? पीबीआईटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ये? ये पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। हम लोग को जिस रुपए में से इंटरेस्ट देना है सामने वाले को, वो रुपया कितना है इंटरेस्ट के सामने? वो रुपया 12 गुना है इंटरेस्ट के सामने। अच्छा तो आराम से दे दोगे, ठीक है। अब यहां देखो, मुझे जिस रुपए में से इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल देना है, वो रुपया इनके सामने कितना है? सही है, मुझे जिस रुपए में से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना है वो रुपया इन दोनों के सामने कितना है, ठीक है, कितना गुना है? ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, समझे पिक्चर? पढ़ना दोबारा, कोई दिक्कत आएगी तो बताऊंगा। ये 3 टॉपिक पढ़ाए मैंने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज, ISC, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। कितना टाइम बचा है? 1 मिनट अभी तो। हाँ कोई डाउट वाउट है बोलो, बहुत टाइम अपने पास तो। हाँ रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, सबको रिकॉर्डिंग आएगी अकाउंट नंबर के साथ, कुछ भी नहीं करना, 700 रुपया जमा करवाना है बस, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखो, लाइक और शेयर करके देना, बिना लाइक और शेयर के तुम्हें 1,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। धूम बजा देना, आग लगा देना, रिकॉर्डिंग देख लो तो रिप्लाई कर देना, लगा दी सर आग, ठीक है, ये रिप्लाई करना है तुम्हें। चलो लेस देन 1 आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, 3 टॉपिक अपने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ISC और DSCR, आ गया समझ में? बाय, बहुत दुख हो रहा है, लड़के रिकॉर्डिंग चल रही है, अमेरिका वगैरह जाएगी वो, लंदन अमेरिका।